कभी कभी ऐसा होता है कि हमने तो अपने प्लांट की प्रॉपर केयर की है, मतलब प्रॉपर मिट्टी है, पॉट, सनलाइट, टेम्परेचर, पानी, फर्टिलाइजर, सब कुछ परफेक्ट है, नॉट इवन उसमें पेस्ट का अटैक भी नहीं है, फिर भी हमारा प्लांट काफ़ी डल सा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक तुरुप का इक्का डालते हैं और वो है एप्सम सॉल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हो सकता है कि इसके पहले भी आपने कभी एप्सम सॉल्ट का नाम सुना हो। एप्सम सॉल्ट खाने वाला या सेंधा नमक नहीं है। आप गलती से भी खाने वाला नमक या सेंधा नमक प्लीज प्लांट पे मत दीजिएगा, वरना पूरा प्लांट झुलस जाएगा। अगर आप ऑनलाइन गूगल में सर्च करेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है एप्सम सॉल्ट ब्रैकेट में सेंधा नमक, ये बिल्कुल गलत है। खाने वाला नमक NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड होता है, और एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है दैट इज MgSO4। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एप्सम सॉल्ट आपको नर्सरी में, ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर्स में भी मिल सकता है। कभी कभी डॉक्टर स्वेलिंग में एप्सम सॉल्ट की सिकाई करने को बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो एप्सम सॉल्ट मेडिकल स्टोर में मिलता है वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। एप्सम सॉल्ट दैट इज MgSO4 आप नर्सरी से लीजिए, ऑनलाइन लीजिए या मेडिकल स्टोर में लीजिए। MgSO4 MgSO4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसके कंसेंट्रेशन में भी कोई फर्क नहीं होता है। मैं ऑलरेडी मेडिकल स्टोर वाला कई बार यूज कर चुकी हूँ और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये आती है कि हम एप्सम सॉल्ट को प्लांट में क्यों डाल रहे हैं, इसको डालने से प्लांट में क्या होगा। कुछ 17 न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनमें से अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं बना तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस के ना होने से, मतलब प्लांट के खाना ना बनने से, प्लांट वीक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा क्लोरोफिल के ना बनने से लीव्स में जो ग्रीन कलर आता है ना, वो ग्रीन कलर नहीं आएगा। और जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी फैट्स और प्रोटीन की नीड होती है, और मैग्नीशियम की कमी से प्लांट्स में प्रोटीन्स और फैट्स नहीं बन पाते हैं। ये तो मैग्नीशियम का हो गया, अब मैं आपको सल्फर का बताती हूँ। सल्फर की कमी से प्लांट की लीव्स येल्लो होने लगती हैं और सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, मतलब प्लांट की नई ग्रोथ नहीं हो पाती है, ना ही नई लीव्स आएंगी, ना ब्रांचेस आएंगी, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कुछ नहीं आते। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों हैं, और इसको देने से प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है और लीव्स भी शाइनी और ग्रीन होने लगती हैं। एप्सम सॉल्ट देने के पहले मेरे करी पत्ता की ग्रोथ रुकी हुई थी, और इसको देने के बाद न्यू लीव्स भी आई हैं और न्यू लीव्स का साइज भी काफ़ी बड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एप्सम सॉल्ट देना कैसे है। जैसे हर चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, वैसे ही एप्सम सॉल्ट को देने के भी दो तरीके हैं। फर्स्ट, इसमें आप 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट को डिसॉल्व करिए। और इस सॉल्यूशन को प्लांट की लीव्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इस प्रोसीजर में लीव्स के जो पोर्स होते हैं ना, उसके थ्रू एप्सम सॉल्ट अंदर जाता है। सेकेंड मेथड, इसमें सॉइल को लूज करिए, मतलब अच्छे से गुड़ाई करिए, और उसके बाद अगर बड़ा पॉट है तो 1 टेबल स्पून, छोटा पॉट है तो 1/2 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट मिट्टी में डालिए और उसको अगेन मिट्टी से अच्छे से कवर करके पानी दे दीजिए। इन दोनों ही मेथड्स में जो सेकेंड मेथड है, जिसमें हमने मिट्टी में एप्सम सॉल्ट को डाला है, वो ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि जब रूट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो पूरे प्लांट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन स्प्रे वाले में हम कितनी भी कोशिश कर लें, हर एक लीफ पे प्रॉपरली स्प्रे नहीं हो पाता है और थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मिट्टी में डाल दीजिए और थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, दोनों चीज़ें आप साथ में कर सकते हैं। इसको प्लांट्स में देने के बाद आपको 8 से 10 दिन वेट करना है, क्योंकि ये धीरे धीरे असर करता है, ये कोई जादू नहीं है। गार्डनिंग में जादू सिर्फ एक चीज़ करती है और वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। तो इसको देने के बाद आप 8 से 10 दिन वेट करिएगा और फिर से एक बार यही प्रोसीजर रिपीट करिएगा। दैट्स इट,
इतने में ही आपका प्लांट रिकवर हो जाएगा और उसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसको बार बार प्लांट में मत दीजिएगा, क्योंकि ये फर्टिलाइजर नहीं है जो आप हर 20-25 दिन में प्लांट में दोगे। अगर आप एप्सम सॉल्ट बार बार प्लांट में दोगे तो मैग्नीशियम सल्फेट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको जब ज़रूरत हो तभी दीजिएगा। आप इसको इंडोर, आउटडोर, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, वेजिटेबल, कैसे भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। लोग इसको करी पत्ता और मनी प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका प्लांट काफ़ी डल है, उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुकी हुई है, तो आप सबसे पहले उसमें फर्टिलाइजर्स देंगे और चेक करेंगे कि पेस्ट का अटैक तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है, स्टिल प्लांट की ग्रोथ रुकी है, तभी आप बिना किसी डर के एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट एप्सम सॉल्ट। लोग एक क्वेरी बहुत पूछते हैं कि वाटर प्योरीफायर का पानी हम प्लांट्स को दे सकते हैं या नहीं। तो जो पानी प्योरीफाई हुआ है आप वो प्लांट्स में बिल्कुल दे सकते हैं, इनडोर आउटडोर दोनों प्लांट्स से। लेकिन जो वेस्ट पानी निकलता है ना आउटलेट से, वो पानी आपको प्लांट्स में नहीं देना है। एज पर माई एक्सपीरियंसेस, उस पानी को देने से प्लांट्स में मिनरल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं टीडीएस की वजह से, तो आप वो पानी प्लांट्स में मत दीजिएगा। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।